नेम प्लेट है इसको निकाला जा रहा है बिकॉज अब अपना कैरियर लगने वाला है। ये राइड में मुंबई से गुजरात कवर करने वाला हूँ। फाइनली अपने डेविल कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है एंड जो मेन था वो भाई कैरियर, बिकॉज अपनी राइड के लिए कैरियर बहुत ज्यादा जरूरी है इस टूर के लिए। जी पब्लिक, कैसे हो भाई? हो बहुत बढ़िया हो गया आप लोग एंड तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग, आज है संडे एंड फिलहाल भाई मैं हूँ अपने गली में। टाइम हो रहा है 7:36 और यहाँ अपने डेविल लगी है, यहाँ अपना घर है। और आप लोगों को एक अपडेट देना था, पहले आप लोगों को पता है मैं इस घर में रहता था, तो इस घर का ना भी पूरा कलर चल रहा है, काम हो रहा है, तो देख रहे हो भाई अभी इसका पूरा ना कलरिंग का काम चल रहा है। तो अपन रह रहे हैं अपने नए घर में, अब अपना नया घर है, पहले सिर्फ मेरा यही घर था पर अब अपना ये भी है, तो यहाँ पे सब घर में अपने सो रहे, तो ये अपना नया घर है, तो ये कलर हो चुका है एंड इसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत टाइम हो गया मोटो व्लॉगिंग नहीं किया, ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए, लास्ट टाइम औरा गया था उसके बाद मैंने राइड नहीं करी है। अपनी यहाँ डेविल है, डेविल को देख रहे हो भाई थोड़े टायर में हवा कम हो रखी है एंड इसको ना कुछ कुछ चीज़ें वो चेंजेस करानी है मेरे को, तो इसके लिए मैं अभी सफा ले जा रहा हूँ अपने साइकिल वाले चीजा के पास और कुछ कुछ अपग्रेड कराने के। बिकॉज आप लोगों को पता रहेगा कि अपन एक राइड की तैयारी कर रहे हैं जो कि राइड बहुत बड़ी होने वाली है, टूर होने वाला अपनी साइकिल पे, तो मुंबई टू गुजरात होने वाला है डेविल पे, तो उसके लिए अपना पूरा काम चल रहा है। तो उसके लिए ना मेरे को आज इसके पीछे कैरियर लगवाने गए, थोड़े ब्रेकिंग वगैरह सही करने के, व्हील में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आगे पीछे दोनों के, तो वो सब क्लीन करने के, प्रॉपर अपने डेविल को एकदम सर्विस करने का, इसके लिए मैं सफा ले जा रहा हूँ। और उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इस राइड की तैयारी के बारे में। ये देखो भाई, ये जो भी मैं राइड करने वाला हूँ ना, राइड टू गुजरात, ये सारे उसके प्लान देख रहे हो भाई, इसके ऊपर इतना काम चल रहा है ना कि हर जगह देख रहे हो भाई, सारी ना स्क्रिप्ट करी जा रही है, मतलब क्या क्या लेना है क्या क्या करना है, मतलब ये ना मेरा पूरा प्लान सेट हो रहा है। ऐसी प्लानिंग ना भाई मैंने आज से पहले कभी नहीं करी है किसी चीज के लिए, पर अपन अपने राइड के लिए कर रहे हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता इस राइड में मेरे को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी चीज ऐसी हो जो कि यार नहीं होनी चाहिए थी। फर्स्ट टाइम अपन टूर पे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपन घर से 2-3 दिन के लिए ऐसा राइड के लिए बाहर निकल रहे, तो अपने को सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, तो ये सारी प्लानिंग चल रही है, प्लान के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये सब रख देते हैं, निकलते हैं ऐसे फटफट सफा ले, छोटी सी राइड है। राइट, फिलहाल अभी मैं अपने केलवे रोड वेस्ट में आ चुका हूँ और यहाँ से मेरा कोई मोटिव नहीं है कि भाई मैं यहाँ से मोटो व्लॉग बनाऊँ, जस्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता रखा है भाई यहाँ पे सारे रास्ते एकदम खराब खराब है, तो मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं करता है। तो 10 तारीख का मेरा प्लान है कि 10 तारीख को ही मैं निकल जाऊँ अपनी मेन राइड के लिए, देखते हैं भाई क्या होता है। मेरे ख्याल से मैं शायद 9 तारीख को भी निकल सकता हूँ, 10 को भी निकल सकता हूँ और मे भी मैं 11 या 12 को भी निकल सकता हूँ, ऐसा कुछ फिक्स प्लान नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना थोड़े थोड़े जो काम है अपने वो अटक रहे हैं, तो जैसे वो शॉर्ट ऑफ हो जाएंगे फिर अपना क्या है क्लियर हो जाएगा। डेट और टाइम वगैरह जो कुछ है अपने इंस्टाग्राम पे डाल ही दूंगा, अगर आप लोग ने कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बाकी यार बहुत सही लग रहा है। आप लोग देख रहे रहोगे भाई ये नए ग्लोव्स देख रहे हो भाई, क्या ही प्यारे लग रहे हैं, ये नए ग्लोव्स मैंने अभी रिसेंटली लिए इसी राइड के लिए, ये है भाई अपना प्रो बाइकर वाले ग्लोव्स एंड इस बार मैंने फुल लिया है ग्लोव्स, पहले जो मैं पहनता था वो हाफ होते थे पर अभी फुल वाले हैं, लेने तो मैं इस बार भी हाफ ही गया था पर चीचा के पास ना हाफ वाले ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने कहा चलो फुल ही दे दो, वैसे भी ठंडी है काम आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा क्लासी लुक दे रहे और भाई लग रहा है पहनने के बाद फील तो आ रही है कि हाँ भाई राइडर है हम। अगर आप लोग भी साइकिलिंग करते हो या फिर बाइक भी राइड करते हो ये ग्लोव्स ले सकते हो, अगर आप लोग एक बजट में ग्लव्स देख रहे हो राइडिंग ग्लोव्स, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई नहीं है, इसकी जो क्वालिटी है वो ही बहुत बढ़िया है भाई, इसकी जो ग्रिप है वो भी एक नंबर ग्रिप मिलती है, प्लस आपको यहाँ पे ये एक प्लास्टिक का प्रोटेक्टर मिल जाता है ताकि अगर आप गिरोगे तो आपको बचाएगा एंड ऊपर भी यहाँ पे देख रहे हो प्लास्टिक के मिल जाता है प्रोटेक्टर, साथ साथ में यहाँ पे उंगली पे भी देख रहे हो आप फिंगर्स पे भी प्रोटेक्टर मिल जाएगा, तो सर काफ़ी अच्छा है भाई। तो ये ऑनलाइन आपको मिलेंगे 550 रुपये के, पर मैं बताऊंगा भाई आप ऑनलाइन कदम मत लेना, मैंने भी सबसे पहले वाले जो लिए थे वो ऑनलाइन लिए थे पर वहाँ भाई मेरे को बहुत महंगा गिरा, तो फिर मैंने ना मार्केट से लेके आया, तो हाफ वाले भाई मेरे को मिल जाते 200 रुपये में एंड ये फुल वाले मेरे को मिले 250 रुपये में। आप लोग मुंबई से हो तो मैं शॉप का एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना, चाचा के पास से जाके ले लेना और मेरा वीडियो बता देना, तो पक्का है कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज चाचा से मैंने बात कर रखी है। ये वैसे भी कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है पर मैं आप लोग को एक सस्ते में एक अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ इसके लिए मैंने बता दिया। एक चीज़ इसकी ना डिसएडवांटेज है कि ये ना टच प्रूफ नहीं है भाई, देखो मेरे को ना वीडियो बनाना पड़ता है बार बार, कहीं पर शॉट लेना रहेगा कुछ लेना रहेगा, मेरे को ना ग्लोव्स निकालने पड़ते
पर यही बात है ना भाई, 250 रुपए में और क्या ही देगा। मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बता दिया है मेरी राइड है, उसका मैं एक सीरीज बना रहा हूँ और उस सीरीज का नाम है रन टू गुज। ये राइड मैं मुंबई से गुजरात कवर करने वाला हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा भाई जब मैं किसी स्टेट को कवर करूंगा। इस राइड में ना भाई बहुत तगड़ी खर्चे होने वाले, बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत ज्यादा कुछ नया सीखने भी मिलने वाला है, काफी नॉलेजफुल काफी एक्सपीरियंसफुल राइड होने वाली है ये। ओके तो भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने इस मेन रोड पे, थोड़ा भगा लें तो अपन अपनी छाव वाली डबरी पे आ गया। देख रहे हो भाई क्या ब्रेकिंग है अपने भाई, ये जो साउंड आती है मेरे को बहुत ही पसंद है अपने डेविल की। अपनी चाय आ गई है, चाय ब्रेक के लिए अपन रुके हैं, चाय वाय पियेंगे। एंड ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना ये सिनेमेटिक मोड में, तो आप लोग मेरे को एक बार इसकी क्वालिटी बताना, मेरे को ये बहुत पसंद है। बट इसके अंदर ना एक फीचर बेकार है, वो वाइड एंगल नहीं है, वाइड एंगल होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। चाय निपटा डालते भाई। भाई मैं चाय वाय पी के तो निकल चुका हूँ, अपने चाय वाले दोस्त है, अपनी जो टपरी है वो भाई अपने दोस्त ही है, उनको भी पता चल गया कि मैं जा रहा हूँ मुंबई टू गुजरात राइड करने वाला हूँ। तो भाई वहाँ पे खड़े रहने वाले जितने लोग थे ना, जो जो चाय पीने आए थे कस्टमर, सारे हैरान हो गए, यहाँ मुंबई से गुजरात जा रहे तू, अगर जा रहा है ठीक है साइकिल पे जा रहा है। जो प्रोफेशनली साइकिलिस्ट है, जो बहुत ज्यादा लंबे लंबे टूर कर चुके हैं, जो राइड करते हैं, उन लोग के लिए ना 200-300 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो साइकिलिंग करते ही नहीं है या फिर एक एवरेज रहते 10-5 किलोमीटर चलाएंगे, उन लोग के लिए क्या है ना 100-200 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा। इसके लिए ना भाई हर कोई शौक हो जाता है। जब भी ना मैं मोटो ब्लॉग के लिए बाहर निकलता हूँ ना, कोई भी जगह जाता हूँ, तो वहाँ पे ना बस मेरे को एक ही चीज का डर रहता है यार, इनको कुत्ते ना दौड़ा ले। जो मेरा हेलमेट सेटअप है ना भाई, उसमें हर कोई कुत्ता ना मेरे पीछे पड़ा रहता है, पीछे भी काफी सारे कुत्ते थे, तो भाई मैंने डर के ना हेलमेट निकाल दिया। प्लीज रिएक्शन देख लो भाई, क्या रिएक्शन मिल रहा था अपने को, बहुत नेक्स्ट लेवल। जरा ध्यान दो इन लोगों को। अभी क्या है, मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ, तो लेट हुआ हूँ तो यहाँ पे ना भाई मार्केट में पब्लिक मिलेगी, अपने को पब्लिक मिलेगी, मतलब रिएक्शन मिलेगी। ये टुगेदर आएगा, रिएक्शन देखो भाई। आई गेस चाचा नहीं है, चाचा इज नो मोर, चाचा दुकान बंद है, तब तक अपन घाट पार करने चलते हैं, थोड़ा राइड का एंजॉय भी तो बनता है ना। बाकी यहाँ देख रहे हो पूरे गैंग बनी है भाई, घाट पार करते फिर ही मिलते, बिकॉज यहाँ पे बहुत तगड़ी मेहनत लगने वाली है। 2000 years later तो भाई फाइनली अपन यहाँ पहुँच गए भाई, घाट के टॉप पे। यहाँ पे मैं रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा एनर्जी वनर्जी ले लूँ, सांस वास ले लूँ भाई, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। यहाँ पे ये बंदर, अरे बाबली क्या कर रहा है इधर, देखो चलो भाई अपनी चाय चालू, मजा आ गया भाई, मजा आ रहा है, ओ हो मजा आ रहा है भाई। काश भाई अपने पास बाइक होती, काश अपन ढीम ढूंढ कर पाते, तो अपन लीना करेंगे। फिलहाल मैंने वायदा डाल दिया, जस्ट बिकॉज अभी ना एक कोई कचरा चले गया। ये वाला मौसम भाई, अगर आपको मेरी आज से कुछ महीने पहले वाली रीलें पता रहेगी, दिख रहेगी, तो आपको पता होगा भाई मैं ये मौसम में राइड करता था, तो क्या ही प्यारी प्यारी रील आती थी, गोल्डन गोल्डन थी। आगे मैं लीन करने वाला हूँ, बस ये देख रहा हूँ कोई गाड़ी ना रहे। वो भाई ये लीन, ओ भाई क्या लीन थी भाई। ये जो टर्न है भाई ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज सोचो मैं फ्रंट ब्रेक पे काम चलाता हूँ, पीछे का मार दूंगा तो डेविली जाम हो जाएगी, आगे का मारता हूँ बिकॉज आगे का थोड़ा सही है अपना। भाई यार क्या प्यारा व्यू हो रखा है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल हो रखा है, एकदम नेक्स्ट लेवल। जितनी तकलीफ घाट चढ़ाने में ना भाई, से कई गुना ज्यादा मजा भाई घाट उतारने में। और ये एक प्रॉपरली ना एग्जांपल है अपनी लाइफ को और सक्सेस को लेके, जितना तुम स्ट्रगल करोगे ना तुमको सक्सेस भी उतनी ज्यादा मिलेगी। घाट पार करने में भाई इतना मेहनत लगता है ना, किसी की भी फटके चार हो जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ भाई। जब उतरोगे ना तो ऐसा सोचोगे कि भाई मैं दो बार और चढ़ाऊंगा, दो बार और उतारूंगा, समझ रहे हो ना, ऐसा मजा है भाई। अपनी जो लाइफ है ना उसमें जो सक्सेस है उसका भी वही सेम रोल है, जितनी मेहनत तुम करोगे ना उतनी ज्यादा सक्सेस तुमको मिलेगी। यहाँ अपना काम चालू हो गया है, डेविल के कस्टम का नेम प्लेट है, इसको निकाला जा रहा है, बिकॉज अब अपना कैरियर लगने वाला है,
इस राइड के लिए। नेम प्लेट तो अपनी निकल गई है, कैरियर देख रहे हो भाई फिटिंग हो रही है। एंड कैरियर फिट होने के बाद तो अपनी जो डेविल है ना भाई, वो सुपर कावा साइकिल डेविल से भाई भाया साइकिल दिखने लग गई है। लगाना भी ज़रूरी है भाई, बिकॉज अपने वो जो जाने का है राइड करने की है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई मैं नहीं लगाता था, सच में मैं नहीं लगाता था कैरियर वैरियर, मेरे को थोड़ा भी नहीं लगा। अरे मैं मरगार्ड निकाल लेता तो ये तो कैरियर है। फाइनली अपनी डेविल कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, ज़्यादा कुछ काम था नहीं वैसे, बस इसको थोड़ा ऑयलिंग वगैरह कराना ताकि थोड़ी फ्री हो जाए। एंड जो मेन था वो भाई कैरियर भी, तो ये भी हो चुका है एंड ऑयलिंग तो भी हो रही है। और थोड़ा पीछे का जो ब्रेक का शॉट था वो भी अभी फिलहाल क्लियर हो गया है, थोड़े दिन बाद तो वापस पहले जैसा हो जाएगा, पर जब तक बन गया है तब तक चलाएंगे। भाई यहाँ से तो मैं निकल गया हूँ भाई, काफ़ी तगड़ा लग रहा है भाई, साइकिल अब बहुत ज़्यादा फ्री हो गई है, मज़ा आ रहा है चलाने में। बस यही है कि राइड पर भी ऐसी ही रहे, ज़्यादा कुछ महंगी अपने को सर्विस नहीं हुई है। 250 रुपये का अपने वो कैरियर पड़ा है, जो कि डिस्काउंट देके 240 मैंने पे किया है, और ऑयलिंग वगैरह ये सारी दफ़े फ्री में हो जाती है। बस अभी यही है, मैं घर जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहेगा, आज की मेरी राइड पसंद आ रहेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी बहुत सारे तगड़े तगड़े कॉन्टेंट आने वाले। डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय माई ब्लॉग्स। बाय। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up.